हेलो लवली पीपल, दिस इज़ मी बीर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हाँ, हमारा जो लास्ट टाइम का ट्रिप कैंसिल हो गया था केदारनाथ, वो फाइनली आज हमने फिर से बनाया हुआ है। और सारे जितने भी मेरे साथ में जाने वाले थे ना, सारे के सारे मेरे साथ हैं। तो टाइम हो चुका है 11:34। यप, तो अभी सारे हो रहे रेडी। तो मैं एक हैव अ लुक, सारा मैसी पड़ा हुआ है, बैड मैसी पड़ा हुआ है। लाला जी जानी रही एकदम खस्ता। ये गुप्ता जी अपने राहुल गुप्ता मिश्रा जी का, जैसे मैंने बताया कि इनका प्लान कैंसिल है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में। मिस्टर सुशील और ये मेरे अमन भाई हैं, ये अपना राइडर सेफ्टी गार्ड पहनते हुए तैयारी के साथ। हमें यहाँ से केदारनाथ के लिए और हमको लगे करीब 5 घंटे ऋषिकेश पहुँचने में। बैक कैमरा जो इंसान है ना, वो नेक्स्ट राइड में जरूर मिलाऊंगा मैं। थम्स अप गाइस। तो निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए दिल्ली की तंग गलियों से। और एक अपनी गाड़ी देखो, हालांकि मजे आने वाले हैं, अच्छे वाले। चलते रहिए, घूमते रहिए, मजे करते रहिए, लाइफ बहुत इंजॉयबल है। मेरे दोस्त आ रहे हैं, रात के बज चुके हैं दो, और एक बैग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो उस बच्चे का हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि उसका ब्रेक सूच चिपा कर रहा था। तो अभी रुके हैं चाय की टपरी पे, सारे इधर बैठे हुए हैं, तो पियेंगे चाय, उसके बाद निकलेंगे थोड़ी देर में। इस टू मैन मैं सोच रहा था कि एक विंड चीटर से काम चल जाएगा कि मेरे को सर्दी नहीं लगेगी नाइट में, बट जब ये नदी वाला रोड साइड से पकड़ के देखा था तो समझ में आया कि सर्दी बहुत तेज़ है। फिर मेरे को अपनी जैकेट निकालनी पड़ी बेबसी में। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इंसान है ना जिसके कछुआ बना पड़ा है इसका। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स अ मॉर्निंग 5 और मैं क्रॉस कर चुका हूँ रुड़की। तो इधर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ठंड लग रही है बाइक पे। सारों ने अपने अपने जो जैकेट्स हैं वो निकाल लिए हैं और सारे ने पहन लिए हैं। यहाँ से पड़ता है हमें क्या कहते हैं हरिद्वार 30 समथिंग कुछ किलोमीटर। तो बने रहिए आपके अपने फिटनेस पे एक राइडर चैनल पे। And stay tuned. हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और ये निकल गए शांतनु सिंह राजपूत। ये रोड कहाँ जाती है मुझे नहीं पता, और ये रोड जा रही है हमारी मंजिल की तरफ। तो आराम से, वाह, मैंने दो दो जैकेट्स पहने हुए हैं और ठंड फिर भी लग रही है यार। हरिद्वार ओनली 2 किलोमीटर है। आपके दिल में बोल डाला था यू हैव अ सिंगल लाइफ। यस मैन, यू हैव अ सिंगल लाइफ, इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ डू यू एंजॉय इट। पानी पूरा पड़ा है।
तो पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार। जिया यादव शुद्ध वैष्णव भोजनालय। सुबह सुबह की चाय और ये खड़ी है तीन। पानी किसने मांगा था भैया? मैं नहीं पीऊंगी फिर। पानी किसने मांगा था? हालत हो चुकी है और गाड़ी में पेट्रोल भरा दी, दोबारा से फुल करा दिया जो कि 420 का हुआ है। 420 और इसमें कितने का हुआ है? 370। ये पहले से फुल कराई रखी थी, इसमें 370 का। और वो वाली जो खड़ी है उसमें हुआ है 500 का। एक गाड़ी वाले आगे पहुंच चुके हैं। रुक चुके हैं और अभी पता पड़ा कि जो हम पहले रास्ता जा रहे थे वो 60 किलोमीटर कम था और ये 60 किलोमीटर ज़्यादा है। यानी 60 किलोमीटर बोले तो एटलीस्ट दो घंटे। तो अभी रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए। तो ये हैं सारे लोग। वाक अभी हुआ क्या है, ऐसा है कि कछुआ मर गया है। इन्होंने एक ट्रेन चलाया हुआ है जिसमें मतलब हर किसी को कछुआ टर्टल इज डाई। हमारा जो ये कछुआ है ना बहुत ज्यादा बोरा जाता है, बहुत तेज भागता है ये वाला कछुआ। हमारा कछुआ मर चुका है तो अब हम पराठे खाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी पराठे के ऑर्डर दिया, यहाँ पे पराठे मिल रहे हैं 25 रुपए के। पराठा एक है, उसके साथ दही भी है और छोले भी है। और इन साहब की अगर आंखें देखोगे ना तो सारा नशा इनकी आंखों में ही दिख रहा है। सारा डिजाइन क्या ये होता है डस्ट। जब तुम ले लेते हो मरकरी वाला जो बाइजर लगा होता है हेलमेट पे वो वाला, और नाइट में तुम उसे डाउन नहीं कर सकते। तो अभी मुंह धोने के बाद करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर निकलेंगे यहाँ से। सीन है कि ये पानी जो है ना इसके अंदर इतना ठंडा पानी है कि टच भी नहीं कर सकते। टच कर भी लिया ना कसम से कि ठंड जो अंदर आएगी ना वो हाथों के थ्रू अंदर जाएगी सारी। बट मुंह तो धुलना पड़ेगा। तो अभी जहाँ खाना मिला लास्ट ब्लॉक का देखा था, जहाँ खाना मिला सबसे पहले स्टार्ट भाई। चलो कछुआ मार दिया था, छोड़ दिया था। के साथ छोले के साथ दही।